पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कथावाचक रमेश भाई ओझा ने भोग प्रकृति का नियम है, सभी को भूख लगती और नींद आती है, मगर जब मनुष्य वही भोजन भगवान को भोग लगा कर खाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है और ये सौभाग्य सिर्फ मनुष्य को ही मिलता है, पशु या अन्य किसी योनि के लिए नहीं है। धर्म के जो नियम है वो मात्र मनुष्य के लिए ही है। कथावाचक लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री बालाजी बाबा नीम करौरी आश्रम ट्रस्ट और लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट तथा रामकथा अमृत महोत्सव समिति के तत्वावधान में बुद्धि विहार में चल रही रामकथा में कथामृत कराकर रसपान करा रहे थे। बिगड़ी हुई शासन व्यवस्था को देखकर ऐसा सज्जनों का सामूहिक आक्रोश सत्ता परिवर्तन कर देता है, कोई चाणक्य पैदा हो जाता है। सत्ता परिवर्तन कलिकाल में भी हमने देखा, तो जब सज्जन सक्रिय हो जाते, इसलिए रोमा रोला का प्रसिद्ध वाक्य है ना कि समाज को सज्जनता को भी उतना ही आक्रामक होना चाहिए, दुर्जनता आक्रामक बने। इसलिए परशुराम शब्द प्रयोग करते तो हो सकता था, राम जी कह देते कि भगवान क्षमा करें, लेकिन हमारी यात्रा, हमारा एजेंडा तो यज्ञ रक्षा का है। हमारे पिताजी ने यज्ञ रक्षा के लिए और यज्ञ आपका संपन्न हो इसलिए हमको भेजा था, हम किसी कोई लौकिक इत्यादि कार्य में कैसे जाएं। भगवान आप आज्ञा तो कर रहे हैं लेकिन कोई संकोच न हो राम को, इसलिए सीता स्वयंवर नहीं धनुष यज्ञ। तो धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, जब धनुष यज्ञ की बात सुना भगवान राम ने, हर्षि चले मुनिवर के साथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा, हर्षित होकर के मुनिमंडली के साथ प्रभु चल दिए। इस यात्रा में भगवान राम ने तीन महापुरुषों के तीन यज्ञ को संपन्न कराया है। यदि श्री राम इस यात्रा में निकलते तो तीन महापुरुषों के तीन यज्ञ की पूर्णाहुति न हो पाती। पहला यज्ञ विश्वामित्र जी का राम जी ने संपन्न कराया, दूसरा मिथिलेश जनक का धनुष यज्ञ। यदि श्री राम न पहुंचते, शिव धनुष भंग न होता तो सीता जी का विवाह कैसे होता, जनक जी का धनुष यज्ञ अधूरा रहता। और तीसरा परशुराम जी का समर यज्ञ, अधर्मी शासकों को दंड देने का एक जो समर युद्ध, समर यज्ञ उन्होंने शुरू किया था। इसी यात्रा में भगवान राम ने परशुराम जी के समर यज्ञ को विराम दिलवाया। महाराज अब केवल परसु लेने से और गला काटने से, अधर्मियों का उन्हें मृत्युदंड देने से काम न बनेगा। और परशुराम जी अपने शस्त्र राम जी को सौंप कर कहीं जाए 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनही तप हेतु, अपना समर यज्ञ पूरा करके परशुराम जी चले गए। परशुराम जी आवेश अवतार, पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।